नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस के वजह से सारी तरह की क्लासें डिस्टर्ब हो गई है, कहीं आवागमन ठप हो गया है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने कुछ कॉन्टेक्ट तैयार किए हैं आपको घर से देने के लिए। आज हम शुरू कर रहे हैं फ्रैक्शन। कुछ इम्पोर्टेंस क्वेश्चन को हम नज़र में रखेंगे और उसी को हम प्रैक्टिस करेंगे। जैसे फ्रैक्शन के अंतर्गत सबसे पहला चीज़ ये होता है कि फ्रैक्शन होता है क्या। तो जब कोई संख्या x बटे वाई के फॉर्मेट में दिया रहता हो, कोई भी संख्या हो जो x बटे वाई के फॉर्मेट में दिया रहता हो, ये ऊपर वाला कहलाता है अंश यानी नोमिनेटर, नीचे वाला कहलाता है हर यानी डिनोमिनेटर। इसके फॉर्मेट में हो तो वो संख्या हमारा फ्रैक्शन कहलाती है। जहाँ x और y कोई पूर्णांक संख्या होता है लेकिन y नॉट इक्वल टू जीरो होता है, यानी वाई जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, पहला चीज। दूसरी बात ये, मैंने कुछ कंटेंट आपके लिए लिख दिए हैं जो इस प्रकार हैं कि एसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये होता है कि बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में। जब इसको लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में एग्जामिनर पूछ देता है कि आरोही क्रम क्या होता है और अवरोही क्रम क्या होता है, तो आप कन्फ्यूज कर जाते हैं, अधिकतर बच्चे कन्फ्यूज कर जाते हैं। तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जब दो या दो से अधिक भिन्नों को बढ़ते हुए क्रम में सजाया जाता है तो उसे आरोही क्रम कहते हैं। आरोही क्रम मतलब एसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे भिन्न ही नहीं, कोई संख्या भी हम लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखे आरोही क्रम और हमने लिख रहा है एसेंडिंग ऑर्डर। एक चीज़ इसमें आप नोटिस कर रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है बढ़ते क्रम। इट मीन्स यहाँ सबसे पहले हम छोटी संख्या लिखेंगे, फिर उसके बाद उससे बड़ी संख्या, उससे बाद उसके बड़ी संख्या, यानी ये रेगुलर नंबर बढ़ते जाएंगे। और जो नंबर्स हम लिखेंगे उसके बाद वाले नंबर्स पहले वाले नंबर्स की तुलना में बड़ा होना चाहिए। यानी मैंने अगर सपोज डेट पहले मैंने 99 लिख दिया, तो 99 जो उसके बाद लिखेंगे हम, इससे संख्या बड़ा होना चाहिए। ये मेरा एसेंडिंग ऑर्डर कहलाता है, यानी बढ़ते क्रम कहलाता है। यानी कि जो लास्ट में संख्या है उससे जस्ट पहले वाली संख्या उससे छोटी चाहिए, राइट। अब एक नज़र डाल लेते हैं हम डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। तो जिस तरह से बढ़ते क्रम का अपोजिट होता है घटते क्रम, उसी तरह से आरोही क्रम का अपोजिट होता है अवरोही क्रम। यानी कि एसेंडिंग ऑर्डर में हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे और डिसेंडिंग ऑर्डर में जस्ट उसका रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे, राइट। तो यहाँ से सबसे पहले जैसे हम लिखते थे 2, 3, 4, 5, ये मेरा आरोही क्रम हो गया। लेकिन जब हम अवरोही क्रम, ध्यान दीजिएगा इसमें वह है, जब हम अवरोही क्रम में लिखेंगे तो ये संख्या उलट जाएगी 5, 4, 3, 2 और 1। और इसमें जो पहले वाली संख्या होती है ये ग्रेटर देन होती है अपने पिछले वाले नंबर से। ये रूल्स जो हैं ये फॉलो करने चाहिए इसमें, तो अवरोही क्रम क्यों, क्योंकि ये घटते क्रम में हो गया, राइट। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। जैसा कि मैंने एक क्वेश्चन लिया है, आप मेरे पेज पे देख रहे होंगे, 3/4, 5/6, 6/7, ये 7 है, 2/3 और 4/5 में न्यूनतम मान वाला भिन्न बताना है, यानी सबसे छोटा भिन्न जो है वो आपको बताना है, राइट। अब इसके बनाने के 2-3 मेथड हैं। पहले तो आप 4 से ये 3 में डिवाइड करके आप बना सकते हैं, पॉइंट 0 आएगा, 4 × 7 = 28, यहाँ पे 2 बचे, 4 × 5 = 20, यानी इसका वैल्यू कितना हो गया, 0.75 हो गया। इस तरह से आप भाग दे के बना सकते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि आप दो भिन्न उठा लीजिए, शुरुआती के दो भिन्न उठा लीजिए, राइट, 3/4, 5/6, इसका अपोजिट गुणा कीजिए, 3, 3 ये और 6 ये, 3×6 कितना हो गया वैल्यू, 18, और 4 में 5 से गुणा हो गया तो ये हो गया वैल्यू कितना, 20। दोनों में 18 और 20 दोनों में छोटा वाला वैल्यू कौन सा है, तो आप बोलेंगे कि 18 छोटा है। तो जब बड़ा हो जाएगा 20, तो 20 वाला वैल्यू को छोड़ देना है हमको, क्यों, क्योंकि हमको न्यूनतम मान वाला भिन्न हमको चुनना है। इस तरह से ये छूट गया। अब फिर लेंगे 3/4 और ये लेंगे 6/7, जो छोटा हो गया उसके अगले वाले से कंपेयर करेंगे, 7 में 3 से गुणा 7 × 3 = 21, 6×4 = 24, यानी 21 मेरा छोटा है, 24 मेरा बड़ा है। तो फिर से ये 6/7 मेरा लेफ्ट कर जाएगा यहीं पे। अभी 3/4 हम लेके चलेंगे, फिर लेते हैं 3/4, फिर ये हो जाएगा 2/3, 3 में 3 से गुणा 3 × 9 = 2×8। यहाँ से देख रहे हैं कि यहाँ पे वैल्यू 9 मिल गया और यहाँ पे वैल्यू जो है 8 मिल गया। इस तरह से ये अब बड़ा भिन्न हो गया, तो इसको हम छोड़ देंगे
और जो छोटा वाला भिन्न है उसको हम अभी ले लेंगे। अगला लेते हैं 2/3, क्योंकि आपके पास 4/5 भी तो अभी बचा हुआ है ना, तो 2/3 और 4/5, 5 × 2 = 10, 4 × 3 = 12। 10 में और 12 में दोनों में आप देखेंगे कि 10 मेरा छोटा संख्या मिल रहा है, किसे अपेक्षा, 12 की अपेक्षा। इसलिए ये जो है 10 किसके लिए आया, 2/3 के लिए, तो मेरा 2/3 सबसे छोटा भिन्न होगा। दूसरी बात, थोड़ा सा वीडियो जूम कर देता हूँ, आप लोग क्लियरिटी और बढ़ जाएगी। आगे देखते हैं, जैसे 3/4 ये थे, 5/6 इससे भी आसान बता दे रहा हूँ, 1 सेकंड, 6/7, 2/3 और ये हो गया 4/5, ये हो गया ठीक। अब देखिए ये दोनों में डिफरेंस कितने का है, 1 का है, 3 और 4 माइनस कर लेंगे, 4 - 3 बराबर के 1। ये 5 और 6 डिफरेंस करेंगे, 5, 6 में से 5 गया तो 1 का आया डिफरेंस। ये 7 और ये 6 यहाँ से डिफरेंस कितने का आया, 1 का आया। ये 3 और ये 2 डिफरेंस कितने का आया, 1 का आया। ये 5 और ये 4 डिफरेंस कितने का आया, 1 का आया। यानी कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो मेरा डिफरेंस है, डिफरेंस जो है वो सेम पड़ रहा है। तो जब मेरे पास डिफरेंस सेम पड़ेगा तो आप दुनिया का सारा रूल भोल करके एक ही रूल लगाइएगा कि सबसे इसमें छोटा फ्रैक्शन कौन है। ऊपर वाला अंश देखते हैं, 3, 3 से बड़ा है 5, यानी 3 अभी तक छोटा है, 3, 5, 6, 2, 4, तो आप बोलेंगे कि 2 मेरा छोटा है। या नीचे वाला भी कंपेयर करेंगे तो 5, 3, 7, 6, 4, ये दोनों में 3 भी मेरा छोटा है। इस तरह से जो भिन्न सबसे छोटा हुआ वो मेरा न्यूनतम भिन्न होगा, और जो भिन्न सबसे बड़ा होगा, जैसे यही क्वेश्चन में यहाँ पे आंसर लेते हैं, इस तरह से 2/3 मेरा जो है वो राइट आंसर कहलाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे भी देख रहे हैं कि 2/3 पे मैंने टिक आउट ये किया था, ये देखिए पहले से मैंने टिक आउट किया था, यानी कि 2/3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके अभी हमने लाया था। आप लोग का काम है भाग विधि से आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग पिछले कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, 9th में 10th में इसे पढ़ने के लिए मिल चुका है और आप लोग अच्छे से इसे जानते हैं। अब मान लेते हैं कि ये पांचों भिन्न में सबसे बड़ा भिन्न पूछ देता, ये कोई जरूरी थोड़ी है कि हम जो पढ़ के जाएंगे एग्जामर वही पूछेगा। हमसे पूछ दिया मान लीजिए बड़ा भिन्न, तो ये 6/7 मेरा, चूंकि 3, 5, 6, 2 और 4 ये पांचों भिन्न में 6 सबसे बड़ी संख्या है, इसलिए सबसे बड़ा भिन्न हो गया 6/7 और छोटा भिन्न हो गया आपके पास 2/3। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे डिफरेंस तो सेम है तब ना हम ये मेथड लगा देंगे, अप्लाई कर देंगे, लेकिन जब ये फ्रैक्शन में डिफरेंस सेम नहीं आएगा तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज कीजिए। अगर फिर भी बोलिएगा कि इसमें मान लीजिए संख्या बड़ा संख्या रहता तो क्या करेंगे, तो फिर हम अपना ये डिवीजन विधि द्वारा यूज करेंगे। हम जो भाग विधि द्वारा बनाए थे, ये भाग विधि द्वारा जैसे हम बनाए थे, 4 को यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भाग दिया था मैंने, 3 नहीं जा रहा था, पॉइंट दिया 0 बैठाया मैंने 0.75 टाइम में, ये पूरी तरह से भी डिविजिबल हो चुकी थी। तो इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। अब ये मान लीजिए अगला एग्जामिनर और क्या पूछ सकता है इसके रिलेटेड में क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन दे करके 3/4, 5/6, 6/7, 2/3 और 4/5, ये सारे में बोल देगा कि सबसे बड़ा भिन्न और सबसे छोटा भिन्न का अंतर बताएं आप क्या होगा। तो अंतर मतलब हम लोग जानते हैं कि अंतर मतलब होता है माइनस, घटाना किसी चीज को। तो 6/7 सबसे बड़ा भिन्न, 2/3 सबसे छोटा भिन्न, दोनों का अंतर 7 और 3 का एलसीएम देखिए। अब यहाँ पे एलसीएम पूरा लिख देंगे, 21 लिख देंगे। अब ये ना करेंगे कि 7 में 21 भाग 3, 3 में 6 से गुणा करेंगे 18, 3 में 7 से गुणा 7 में 2, और फिर ये सब छोड़िए, 6 में 3 से गुणा 18 माइनस 7 में 2 से गुणा 14, यानी आंसर यहाँ पे घट के कितने आया, 4/21, ये आपका राइट आंसर हो गया। अगर पूछ देगा कि सबसे बड़ा भिन्न और सबसे छोटा भिन्न का योग कितना है, तो हम जानते हैं कि योग मतलब होता है प्लस, तो यहाँ से हम प्लस कर देंगे तो वैल्यू बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 18 जो माइनस का 14 किया था मैंने, योग बोल देगा तो प्लस कर देंगे, और 18 × 4 = 22, 10 = 32 हो जाएगा आपका। कोई भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम लाइव क्लास इसलिए नहीं चला सकते हैं क्योंकि मेरे पास 1000 सब्सक्राइबर नहीं है। जिस दिन हम 1000 सब्सक्राइबर पास कर जाएंगे उस दिन हम लाइव क्लास आना शुरू कर देंगे, ये मेरा वादा रहा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है कि निम्नांकित में बड़ा फ्रैक्शन यानी बड़ा वाला भी जो भिन्न है आपको वो आपको चुनना है। ये 4 विकल्प दिए हुए हैं, आपको ये 4 विकल्प में से बड़ा विकल्प चुनना है। पहला विकल्प ए में लिखा हुआ है 6/7,
बी में लिखा हुआ है 4/5, सी में लिखा हुआ है 5/6 और डी में लिखा है 7/8। यहाँ से चेक करते हैं, क्या पता डिफरेंस सेम हो। 6 और 7 डिफरेंस एक का, 4 और 5 डिफरेंस एक का, 5 और 6 डिफरेंस एक का, 7 और 8 डिफरेंस एक का। यहाँ से हम देख रहे हैं कि मेरा जो डिफरेंस है वो मेरा इक्वल मिल चुका है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो पिछली हमने बताई थी ट्रिक कि जिसमें यहाँ पे ये न्यूनतम मान वाला आपको चुनना था, तो जो संख्या छोटा थी क्योंकि डिफरेंस तो सेम आ रहा था ये भी रूल मेरा फॉलो कर रहा था, तो यहाँ पे जो संख्या छोटी आई थी वो हमने छोटा संख्या चुन लिया था क्योंकि न्यूनतम पूछा था, तो यहाँ पे पूछ दिया कि बड़ा भिन्न कौन सा है। तो डिफरेंस यहाँ पे सब में देखने के 7 और 6 माइनस करेंगे तो एक का आया। यहाँ से एक बार चेक कर लीजिए, 7 - 6 = 1, यहाँ से 5 - 4 = 1, यहाँ से करते हैं तो 6 - 5 = 1, यहाँ से 8 - 7 = 1, यहाँ से सारे में डिफरेंस एक। तो जो संख्या बड़ा हमको चुनना है, जो हमको बड़ा वाला संख्या दिखाई देगा वो मिला बड़ा संख्या होगा। 6, 4, 5 और 7 सब में बड़ा संख्या कौन सा है आप बोलिएगा, 7 सबसे बड़ा संख्या है। तो इस तरह से मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, 7/8। अब मान लीजिए ये क्वेश्चन पूछ दे कि सबसे छोटा संख्या, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन पूछ दे, तो 6, 4, 5 और 7 ये चारों फ्रैक्शन में हम देख रहे हैं कि जो नोमिनेटर है, अंश है मेरा, वो 4 मेरा छोटा है, तो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगा 4/5। अभी तक हमने ओवरऑल यही समझा, निष्कर्ष एक बात का मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पे, कि अगर फ्रैक्शन में किसी भी भिन्न में अगर डिफरेंस सेम हो यानी अंतर समान हो, हिंदी में बोल दे रहे हैं किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, अंतर समान रहता है, जब अंतर समान रहता है चाहे वो अंतर 1 का हो 2 का हो 3 का हो 4 का हो 5 का हो 6 का हो किसी भी चीज का अंतर हो, लेकिन जो पहले वाले में अंतर हुआ वो चारों विकल्प में अंतर आना चाहिए, तो हमको चुनना है इस कंडीशन में बड़ा वाला संख्या। तो जब अंतर समान आ गया तो रूल मेरा यही कहता है, मेरा नियम यही कहलाता है कि जब अंतर समान आ गया तो जो संख्या अंश में बड़ी होगी वो संख्या मेरा बड़ा भिन्न कहलाएगा और जो संख्या छोटी होगी वो मेरा छोटा भिन्न कहलाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। भिन्न 5/8, 7/12, 1/3, 2/5 में सबसे बड़ा और सबसे छोटा भिन्न का अंतर बताएं। और ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, यहाँ से देख रहे हैं आप RRB बंगलौर और SSC 2005 में ये पूछा गया क्वेश्चन है, हो सकता है कि रिपीटेड क्वेश्चन हो क्योंकि नंबर सिस्टम के अंतर्गत जब चलाते हैं तो ये सारे फ्रैक्शन को भी नंबर सिस्टम में कभी कभी कवरेज कर लेता है वो। आगे चेक करते हैं, तो हमारे पास बाबू भिन्न जो है 5/8, 7/12, 1/3 और 2/5। हम रूल जो बताए थे यहाँ पे, रूल जो बताए थे कि डिफरेंस सेम रहेगा तो जो बड़ा वाला संख्या होगा वो मेरा बड़ा भिन्न हो जाएगा, जो संख्या छोटा होगा वो छोटा भिन्न हो जाएगा। लेकिन इसमें चेक करते कि क्या डिफरेंस सेम है, अगर सेम है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई और अप्रोच लगाएंगे। 5 और 8 डिफरेंस कितने का, 3 का। 7 और 12 डिफरेंस 5 का। अब आगे हमको जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे डिफरेंस 3 का मिला और यहाँ पे डिफरेंस 5 का मिला, यानी मेरा जो ये सेम डिफरेंस वाला जो रूल है वो तो मेरा अब इसको मैनेज नहीं कर पाएगा, इसलिए वो रूल को हमको वहीं पे अब छोड़ना पड़ेगा क्योंकि कोई भी एग्जाम में एक ही रूल पे सारे क्वेश्चन नहीं आते हैं, इसलिए आपको घर से सारे रूल्स को प्रैक्टिस करके अच्छे से नज़र में बैठा के तो जाना पड़ता है। चेक करते हैं, 5/8, सबसे पहले 5/8 उठाएंगे, फिर हम दूसरा पॉइंट उठाएंगे 7/12 का। हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी पहले वाले का अंश दूसरे वाले का हर। देखिए ये ऊपर वाला अंश कहलाता है और नीचे वाला हर कहलाता है, तो 5 में 12 से गुणा हुआ तो 12 × 5 = 60। 5 में 12 से गुणा कीजिए या 12 में 5 से गुणा कीजिए, बात बराबर है। 7 में 8 से गुणा कीजिएगा तो 7 × 8 = 56। सबसे पहले हम बड़ा भिन्न बोला है तो हम बड़ा वाला चुन सकते हैं, तो यहाँ से 60 मेरा बड़ा मिल गया, 56 मेरा छोटा मिल गया, यानी 7/12 जो है 56 वाला का वैल्यू दिया है। अब ये 5/8 को
एक बटे तीन से रिलेट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, पाँच में तीन से गुणा पाँच थी आई पंद्रह, एक में आठ से गुणा हो गया ये आठ हो गया। दोनों में बड़ा वैल्यू कौन सा आ गया, पंद्रह और आठ में पंद्रह हो गया मेरा बड़ा वैल्यू, यानी पंद्रह किसके लिए, पाँच बटे आठ के लिए, यानी अभी तक ये बड़ा भिन्न चल रहा है और ये मेरा छोटा भिन्न आ गया। अब ये पाँच बटे आठ और ये दो बटे पाँच आपके पास बच गया, क्रॉस गुणा कर लेंगे हम, पाँच में पाँच से गुणा पच्चीस, दो में आठ से गुणा दो अट्ठे सोलह, पच्चीस यहाँ पे देख रहे हैं कि हम सोलह की अपेक्षा बड़ा संख्या है, यानी हमको बड़ा भिन्न मिल गया, जो बड़ा भिन्न मिल गया वो मेरा पाँच बटे आठ मिल गया, राइट। अब हमारे पास छोटा भिन्न हमको चुनना है, क्योंकि पाँच बटे आठ तो सबसे बड़ा भिन्न मिल गया तो इसमें हमको चेक करने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ से कि सात बटे बारह को एक बटे तीन के साथ रिलेट करेंगे, तो सात में तीन से गुणा अपोजिट गुणा ना इसका अंश और इसका हर, तो सात में तीन से गुणा इक्कीस, एक में बारह से गुणा तो मिल गया आपके पास बारह। तो हमको छोटा चुनना है तो छोटा वाला लेके चलेंगे, यानी सात बटे बारह मेरा एक बटे तीन की अपेक्षा बड़ा है लेकिन पाँच बटे आठ की अपेक्षा छोटा है। तो हम पाँच बटे आठ को बड़ा वाला में ले लिए तो बड़ा वाला के साथ तो कोई कंपेरिजन अब करेंगे नहीं हम, तो यहाँ से मेरा मिल गया मेरे पास एक बटे तीन। अब ये एक बटे तीन को दो बटे पाँच जो मेरे पास लास्ट में बचा हुआ है, देखिए ये वाला, इसके साथ हम रिलेशन करेंगे, क्रॉस करेंगे गुणा, तीन सॉरी पाँच में एक से गुणा पाँच, तीन में दो से गुणा आ गया मेरे पास छः। पाँच और छः यहाँ से हम देख रहे हैं कि छः ग्रेटर देन है पाँच से, राइट। छः मेरा बड़ा संख्या है लेकिन हमको चुनना है क्या बाबू, तो छोटा भिन्न हमको चुनना है, क्योंकि हमने बड़ा भिन्न तो पहले ही चुन लिया है। तो पाँच और छः में छोटा भिन्न, छोटा संख्या कौन, पाँच, और पाँच किसके लिए आया बाबू, एक बटे तीन के लिए। तो इस तरह से एक बटे तीन मेरा छोटा सबसे फ्रैक्शन निकल गया, अब छोटा संख्या मिल गया मेरे पास एक बटे तीन। अब यहाँ से देखिए बोला था क्या कि अंतर बताएं, अंतर बताएं, ये अंतर बताना है आपको। अंतर मीन्स हम पहले ही बता चुके हैं कि माइनस होता है, आठ और तीन का एलसीएम हो गया आपके पास चौबीस, चूंकि आठ और तीन एक दूसरे को डिविजिबल नहीं कर पाती है, पाँच में तीन से गुणा पंद्रह, आठ में एक से गुणा आठ, बीच में साइन का चीज क्या, तो माइनस का, पंद्रह में से आठ गया तो हो गया सात बट्टे के चौबीस, ये आपका आंसर आ गया, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इस प्रकार से है कि निम्नांकित को आरोही क्रम में लिखने पर क्या होगा, और ये भी क्वेश्चन जो है प्रीवियस क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखें। सबसे पहले देखते हैं कि इसमें क्या क्या दिया है, ऑप्शन बेस्ड ये क्वेश्चन है, सात बट्टे नौ, नौ बट्टे ग्यारह, ग्यारह बट्टे तेरह, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में ग्यारह बट्टे तेरह, सात बट्टे नौ, नौ बट्टे ग्यारह, ऑप्शन नंबर सी में है क्वेश्चन, सॉरी ऑप्शन नंबर सी में जो डाटा दिया है ग्यारह बट्टे तेरह, नौ बट्टे ग्यारह और सात बट्टे नौ का। ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया है, नौ बट्टे ग्यारह, सात बट्टे नौ, ग्यारह बट्टे तेरह, और एक और ऑप्शन आपको फंसाने के लिए दे दिया है, नॉट का ऑप्शन दे दिया है, ठीक। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि आपके पास सात बट्टे नौ, नौ बट्टे ग्यारह और ग्यारह बट्टे तेरह, बस यही तीन संख्याएं हैं, यही तीन संख्याएं हैं जिसको आगे पीछे कर करके लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे सात बटे नौ लिख दिया, नौ बटे ग्यारह लिख दिया, ग्यारह बटे तेरह लिखा दिया, जैसे हमने एज इट इज लिखा था। अब यही जो ग्यारह बटे तेरह उसको जो लास्ट में है उसी को फर्स्ट में कर दिया, जो फर्स्ट में था उसको मिडिल में कर दिया, देखिए सात बटे नौ, और जो मेरे पास मिडिल में था नौ बटे ग्यारह उसको कर दिया वो लास्ट में, और बोल दिए क्या ये सही है या ये सही है या ये दोनों में से कोई सही है। तो इस तरह से चारों विकल्प में आपको बताना है कि कौन से सही है, अगर कोई सही नहीं है तो आप नॉट का प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, देखिए भाग विधि जो भाग विधि होता है उसको ज़्यादा आप यूज करने पर मत रहिएगा, क्योंकि संख्या यहाँ पर बड़ी बड़ी तो है नहीं, जैसे ग्यारह में ग्यारह का गुणा होगा तो एक सौ इक्कीस कर लेंगे, क्योंकि अब देखिए अगर किसी को नहीं पता है तो ग्यारह गुणे ग्यारह दो तीन तरीका से कर सकते हैं। सबसे पहले एक में एक से गुणा तो एक हो गया, अब इसमें ये एक और ये एक में गुणा तो कितना हुआ एक हुआ, और ये और एक में एक गुणा किया तो कितना हुआ एक हुआ, एक और प्लस एक मिल के कितना बना देगा बाबू दो बना देगा, तो यहाँ पे दो लिख देंगे, और ये लास्ट वाले एक और ये लास्ट वाले एक सॉरी ये फर्स्ट वाले एक और ये फर्स्ट वाले एक, एक में एक से गुणा तो जानते हैं हम कि एक देगा, तो इस तरह से ग्यारह ग्यारह एक सौ इक्कीस। या ये भी समझ में अगर नहीं आया होगा तो आप ये कर सकते हैं कि 11
गुणे 11 करना है आपको, राइट। तो ये 11 को हम लिख सकते हैं 10 प्लस के 1, क्यों नहीं लिख सकते हैं, 10 प्लस 1 को जोड़ने पे 11 तो होगा, 11 में 10 से गुणा करेंगे तो जानते हैं कि 110 हो जाएगा, क्योंकि 11 में 1 से गुणा करेंगे लास्ट में एक 0 बैठा देंगे, और 11 में 1 से गुणा करेंगे तो हमको 11 मिलेगा, और बीच में हमने साइन क्यों प्लस का दिया, चूंकि यहाँ पे ये प्लस का साइन हमने पहले से दिया था, जो प्लस का साइन देंगे तो यहाँ पे प्लस का साइन देंगे, तो 10 और 11 मिला के बना दिया 21, और ये 100 पहले से इस तरह से 121। अगर ये भी नहीं मन करेगा तो आप ये यूज कर सकते हैं कि 11, ये 10, इसका देखिए, ये इसका बेस हम 10 ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं इसका बेस्ट, 10 से ये कितना ज़्यादा है, 11 जो है 10 से कितना ज़्यादा है, तो आप बोलिएगा कि प्लस 1 ज़्यादा है। 1 का स्क्वायर कितना होता है बाबू, 1 होता है, 11 और 1 कितना होता है बाबू, 12 होता है, 121 हो गया। फिर से करते हैं इसको, फिर से समझते हैं, टेंशन मत लीजिए, हम फिर से कर रहे हैं। ये 11 जो है इसके बेस्ट 10 से लेना है, जैसे कभी भी हम बेस लेंगे तो 10 का लेंगे, 100 का लेंगे, 1000 का लेंगे, हम सारी चीज़ बता देंगे। अगर आप सीखना चाहते हैं तो अभी वीडियो के थ्रू में समझिए, क्लास चलने पे आप क्लास में एक बार जरूर आएं। देखिए तो ये 10 का बेस लेंगे, चूंकि 10 के समीप में है, तो ये 10 से कितना ज़्यादा है, तो 1 ज़्यादा है, आप भूलिएगा। 1 का स्क्वायर करेंगे हम, 1 का स्क्वायर करेंगे हम, 1 का स्क्वायर होता है 1, 11 और ये 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा मेरे पास 12 हो जाएगा, कोई डाउट। अब देखिए तो कोई भी संख्या यहाँ पे गुणा करना उतना कठिन चीज़ नहीं है, सॉरी अभी हम थोड़ा सा आरोही क्रम और अवरोही क्रम को बताते बताते गुणा करने के लिए बताने लगे, क्या पता ये फ्रैक्शन वाली रूल पे फॉलो ना करे तो हमको गुणा करना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा मैंने जिक्र कर दिया इसके लिए। अब देखते हैं यहाँ से क्या कि 7 और 9 दोनों का अंतर जो है 2 का है, राइट। 9 और 11 दोनों का अंतर जो है बाबू वो 2 का है, राइट। 11 और 13 दोनों का जो अंतर है बाबू वो 2 का है, राइट। यानी सारे में डिफरेंस हमें, अंतर हमें, डिफरेंस मीन्स अंतर, अंतर हमें समान मिल गया, कोई दिक्कत। अब जब अंतर समान मिल गया तो जो संख्या छोटा होगा वो छोटा संख्या, जो संख्या बड़ा होगा वो बड़ा संख्या। 7/9 9/11 की अपेक्षा छोटा है, 7/9 11/13 की अपेक्षा भी छोटा है, यानी सबसे छोटा संख्या 7/9, 7/9 और 9/11 दूसरी सबसे छोटी संख्या, और सबसे बड़ी संख्या 11/13। आपको लिखने कैसे, आरोही क्रम में लिखने हैं, और आरोही क्रम को हमने पहले बता दिया कि एसेंडिंग ऑर्डर, एसेंडिंग ऑर्डर, इसीलिए हमने बताया था शुरुआती में कि एसेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में अंतर क्या है। यानी आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम, ये लिखना है आपको बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में। तो हम जानते हैं कि 7, 9 और 11 ये खुद तो बढ़ते क्रम में है, देखिए तो ये इससे छोटा है, ये 9, 11 से छोटा है, यानी 11 मेरा सबसे बड़ा संख्या। चुनना है हमको बड़ा वाला फॉर्मेट में, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7, 9 और 11। यहाँ पे जो हमने साइन बनाया है, ये 7 जो है, सॉरी ये साइन मेरा गलत है, ये साइन मेरा गलत है, 7 जो है 9 से देखिए छोटा है, और 9 जो है 11 से छोटा है, यानी 7, 9 और 11 तीनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी हुई, 11 हुई, और सबसे छोटी संख्या 7 हुई। तो हम फॉर्मेट को इसी पे बैठा लेंगे, सबसे पहले बढ़ते क्रम में लिखना है तो सबसे पहले छोटी की संख्या, तो छोटी की संख्या कितना है बाबू, 7/9, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए में, फिर 9/11, चूँकि 9 मिडिल में आना चाहिए ना, 9/11, और फिर 11 वाली चाहिए तो 11 यहाँ पे मिल गया। इस तरह से पहला ऑप्शन मेरा रूल को फॉलो कर रहा है, ये संख्या, ये मेरा आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आज का हम क्लास यहीं पे संपन्न करते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर एक बार बताएं कि आज के क्लास आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो आप लोग ज़रूर बताएं, कल से फिर से नेक्स्ट वीडियो आएगी। धन्यवाद।